وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما سب کو ذکر قدیم توحید دائے اے ذکر کل تے اج دا نہیں سب کو ذکر قدیم توحید دائے اے ذکر کوئی اج تے کل دا نہیں جدوں تک قرآن نہ پڑھے آ جاوے کوئی واز تقریر سچ دا نہیں تے دنیا دا دسو کوئی ملک ایسا دنیا دا دسو کوئی ملک ایسا جتھے نغمہ توحید دا گجدا نہیں اے توحید ایسا ہے کن یارو بندہ سندا رجدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تو ذی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے ریپیٹنگ کم کرو ذی وقار معزز سامعین و سامعات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جد الانبیاء رب دے خلیل اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں چار خاص خوبیاں دا ذکر کیتا سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مقام و مرتبے دے حوالے نال چند گزارشات کیتیاں سن اسی سلسلے نوں اگے بڑھاندیاں ہویاں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا مزید تذکرہ کیتا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم دی طرف اللہ دے رسول پیغمبر بن کے آئے جڑی قوم اللہ تو علاوہ تین قسم دے چیزاں دی عبادت اور پوجا کر دی سب تو پہلا اے لوگ بتاں دی پوجا کرن والے دوسرے نمبر تے لوگ چند سورج ستاریاں دی پوجا کرن والے
तीसरे नंबर से इस कौम दे लोग वक्त दे बादशाह नूं अपना रब मनन वाले तन तनहा अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम ले करके गदर इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी कौम तक पहुंचे तौहीद दा पैगाम समझाया किते बुतां नूं तोड़ करके किते वक्त दे बादशाह दे दरबार दे अंदर खड़े हो करके किते लोगां नूं अकली दलाइल दे नाल चन्न सूरज और सितारियां तो समझाया कि रब चन्न सूरज सितारे नहीं रब कौन है अल्लाह और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम दी सीरत मुबारक दा तज़किरा बारहा अपने कुराने पाक दे अंदर फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने बेखौफ खतर जो रब ने ड्यूटी लगाई है उन्हें निभा करके विखाए जो आसमान दे रब दी तरफों पैगाम आए हजरत इब्राहीम ने कौम नूं पहुंचाए और अल्लाह ने इसे वास्ते अपने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। आइए तवज्जो करना बड़ी तवज्जो दे नाल अल्लाह दा कुरान बड़ी मोहब्बत नाल समात फरमाना हबीबे करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीना पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्मन काला इन्नी जाइनुक लिन्नास इमाम फरमाया सा अपने पैगंबर इब्राहीम नूं जदों भी अजमाया जदों भी अजमाया जदों भी इम्तिहान लिया जदों भी परखिया वाइसी बताला इब्राहीम रब्बुहु जिदों अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर खलील नूं अजमाया जिस भी इम्तिहान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैने फरमाया फअतम्मन हर इम्तिहान के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने 100/100 नंबर हासिल किए ने हर इम्तिहान अल्लाह के पैगंबर ने पास किया है हर इम्तिहान के अंदर अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम कामयाब हुए ने अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे खलील दे इम्तिहान की कामयाबी का फरमाया इन्नी जाइनुक लिन्नास इमाम फरमाया सी अपने इब्राहीम नूं लोगां दा इमाम बना दिता है उच्चियां शाना अता कर दित्तियां ने मुकाम मरतबा अता कर दिता है कायनात दे लोग एडी अजमत वाले पैगंबर एडी शान वाले पैगंबर हर इम्तिहान दे अंदर कामयाब होए ने ते अल्लाह दे पैगंबर ने किसे चीज की परवाह नहीं की अल्लाह दे नाल वफा की इस्तकामत दा मुजारा किया है ये नहीं सोचिया मैं कल्ला वां कौम दे सामने रब दी तौहीद दा पैगाम किवें देवांगा ऐ बुत्तां नूं पूजण वालियां नूं बुत्तां तों किवें रोकांगा ऐ चन्न सितारे ते सूरज दी पूजा करन वालियां नूं किवें मना करांगा वक्त दे बादशाह नूं अपना रब मनण वालियां नूं किवें रोकांगा ना ना जिस मुकाम ते जिस पैगाम दी जरूरत पई ऐ अल्लाह दे खलील ने उस अंदाज़ नाल इस पैगाम नूं पहुंचाए आइए ध्यान करना तवज्जो करना एक बात से नशीन कर लेना बंदा हक ते होए कल्ला होए सामने सारी दुनिया होए हक ते डट जाना चाहिदा है मर जाना चाहिदा है लेकिन हक छड़ना हक नहीं छड़ना चाहिदा हक ते डट जाना चाहिदा नबी पाक दे सियासी मेरे पैगंबर दे कोल आए आ करके कहंदे ने सुनिया कोई जिदा मसला दसो ना जिहड़ा तुहाडे बाद मैनू किसे कोलों पुछना ना पए नबी पाक ने सलातु वसलाम फरमांदे ने प्यारे आओ कुल
इलाहा इल्लल्लाह सुम मस्तकिम। फरमाया प्यारा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने फिर उदे पक्का हो जाने डट जाने इस्तकामत दा मुजारा करना है। पक्कियां रहने डोलना नहीं कदम डक मगाने नहीं चाहिए। अल्लाह ने अपने कुराने पाक के अंदर एक और मुकाम ते इस्तकामत वाले आंदा पक्कियां दा तज़किरा कर दिया गया इंज फरमाया फरमाया अम खसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा याअतिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ। अल्लाह अल्लाह फरमाया ओ मेरे बंदे ओ तुसी गुमान कर ले के असा एवें जन्नत दे अंदर चला जाने जन्नत दे अंदर जाण वास्ते बड़ियां तकलीफां दा सामना करना पैंदा है बड़े मसाइब दा सामना करना पैंदा है। फरमाया सोणिया इन्हां तो पहले लोगां दियां मिसालां दा जिक्र करो ना इन्हां दे सामने जदों इन्हां नूं अजमाया गया मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा इस रस्ते ते चल दिया चल दिया तौहीद दा झंडा बुलंद कर दिया अल्लाह दी वहदानियत दा पैगाम देंदिया देंदिया तकलीफां आईया ने मुसीबतां आईया ने वज़ुलज़िलो इन्हां नूं झंझोड़िया गया है इस कदर तकलीफां आईया ने के बोल उठे ने मता नसुल्ला मता नसरुल्लाह अल्लाह दियां मददां कदों आणगियां। फरमाया डोलना नहीं जे तौहीद दे मामले दे अंदर डगमगाना नहीं जे अपने पैरियां पैरां दा पक्का रहना है। ते अल्लाह दे खलील ने इस कम्म दा मुजारा करके विखाया फरमाया वा इज़िब ताला इब्राहिम मरबहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन। जेड़ा भी इम्तिहान आया हजरत इब्राहीम उदे उत्ते पूरे उतरे कामयाब होए। अल्लाह आज असियां माशाल्लाह कुर्बानी आ रही है ना कुछ दिनों बाद ते सानू एक जानवर खरीद करके अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ज़िबा करना पैंदे सुन्नत इब्राहीम नहीं समझ के ते असी उस जानवर दे मुतलका जो सुन्नत है उहदा ख्याल नहीं रखते। साडे माशरे दे कईआं नूं कहीए जी दोंदा नहीं कहिंदा जी कोई गल नहीं कुर्बानी करनी है ना हैं असी उस जानवर दा ख्याल नहीं रखते जिहड़ा सुन्नत दे मुताबिक कुर्बानी करना चाहिदा है। लेकिन अल्लाह दे खलील ने रब दी एक एक बात दा ख्याल रखिया है। असां साल बाद एक जानवर ज़िबा करना हुंदा है उहदा ख्याल रखदे हालां रखना चाहिदा एक एक चीज दा ख्याल रखना चाहिए सुन्नत दे मुताबिक कुर्बानी दा जानवर ज़िबा करना चाहिए। अल्लाह अकबर कईआं माशाल्लाह इन दा तरीका कार इख्तियार कीते हालां किताब सुन्नत दे अंदर ऐसी कोई दलील नहीं एक कुर्बानी करनी है ते छे अकीके पा लेंदे ने इंज जायज नहीं। नबी पाक अली की सलातु व सलाम दा तरीका नी किताब व सुन्नत दे अंदर इस बात दी कोई दलील नहीं। आइए गड़ात इंज दे मुसलमान ते मोमन बणिए इंज दे पक्के इस्तकामत वाले बणिए जिवें दे खदर इब्राहीम अली की सलातु व सलाम बणे। आइए गौर करना तवज्जो करना हबीब प्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक रे सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नादल करके कायनात दे लोगां नूं पैगाम दित्ता कायनात वालियो इब्राहीमी बन जो इस्तकामत दा मुजारा करो हर मामले दे अंदर डट जाओ पक्के हो जाओ। अल्लाह अल्लाह नूं कुर्बान जावा आगे अल्लाह दे पैगंबर हजरत खलीलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम ने किवें इस्तकामत दा मुजारा कीता है
अल्लाह सुनते रहते हो। सब तो पहला अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहिम ने तौहीद की दावत का आगाज अपने घर तो किया, अपने बाप को दावत दी, अपने कौम के लोगों को दावत दी। अल्लाह का कुरान बयान कर रहे, अल्लाह फरमाते ने इस काल लिया बीगी व कौमी माहाजी तमाशील लली अनत मलगा के फून कालू वजदना आबाना लहा आबदीन काल लकद कुन तुम अनतुम व आबाओ कुम फी जलाल मुबीन। अपने बाप दादा इन्हां दी पूजा करदियां वेखिया, इन्हां दी इबादत करदियां वेखिया, इस वास्ते असीं इन्हां दियां इबादतां करदे पए आं, पूजा करदे पए आं। झूठे मुंह ते झूठा कहना बड़ा मुश्किल होया करदा है, लेकिन सामने बापे सामने कौम दे लोग ने, मैं कहना मैं इस कौम दे अंदर रिश्तेदार भी होणगे, सज्जन यार भी होणगे, महल्लेदार भी होणगे, गली वाले भी होणगे, बाप भी सामने खड़े ते अल्लाह दे पैगंबर कहंदे ने काल लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। फरमाया मैं तुहानू कहना वा तुसी भी गुमराही दे अंदर हो ते तुहाडे बड़े भी गुमराही दे अंदर ने। अल्लाह तू अकबर अल्लाह। आई अल्लाह तआला ने कुराने पाक दे दूसरे मुकाम ते इस बात दा वजाहत दे नाल तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वदनु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ काल ली अबीहि व कौमिहि ताबुदूनम। फरमाया सुनिया जरा मेरे इब्राहिम दा किस्सा सुनाओ ना अपनी कौम दे लोगां नू। जदों इब्राहिम ने अपने बाप नू ते अपनी कौम दे लोगां नू कहा मेरे वल वेखिया, जे तवज्जो करिया, जे ध्यान करिया, जे जाग के बेदार हो करके अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम अल्लाह दे कुरान दी जुबानों समात फरमाना। अल्लाह दे पैगंबर कहंदे ने इन्हां दीआं इबादतां क्यों करदे हो, कादे वास्ते करदे हो? अल्लाह अकबर लगदे ने कालू दरबारा ते मजारा ते मुजावर बन के बैठे हाँ। अल्लाह के पैगंबर कहते ने काला हाल यसमाउनकुम इज तदउन एक गल ते दसो ना जिन्ना दे नाम दियां नजरां देंदे हो, जिन्ना दे नाम दियां नियाज़ां देंदे हो, जिन्ना दे नाम दे मुजावर बन के बैठे हो, जिन्ना दे नाम दे सजदे करदे हो, एक गल दसो ना हाल यसमाउनकुम इज़ तदउने क्या तुहाडियां गल्लां सुनदे ने जदों तुसी पुकारदे हो, जदों तुसी पुकारदे हो तुहाडियां गल्लां सुनदे ने। औ यनपाउनकुम औ यज़ुर क्या कदी इन्हां तुहानू नफा भी दिता है या कदी नुकसान भी पहुंचाया है? ते फिर बोल करके कहंदे ने ना ते सुनदे ने ना नफे दे मालक ने ना नुकसान दे मालक ने। कालू वजदना आबाना अज भी जदों लोगों के सामने तौहीद पेश की जाती है कहते हैं जी साढ़े वड्डे इंज करते आए ने ते ये नवे कितों पैदा हो गए ने, ये नवे कितों आ गए ने। अल्लाहु अकबर हज़रत इब्राहिम दी मुशरक कौम भी कहन लगी ना ये सुनते ने ना नवे नुकसान दे मालक ने, बस असीं अपने वड्डियां नूं इन्हां दे सामने मत्था टेकदा वेखिए, असीं वी उन्हां दे पिछे लग के इन्हां नूं मत्था टेक रहे हां, इन्हां दी पूजा कर रहे हां। इहदा मतलब ये नहीं कि हर वड्डा जिहड़ा हक ते होए, हर वड्डा हक ते हो सकदा, हर बड़ा हक ते हो सकदा। अल्लाहु अकबर ला तवज्जो करना गौर करना हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दे इम्तिहान, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दी दावत दा पैगाम दिता कुरान पाक दे जरिए। ए कहंदे ने कालू वजदना आबा अना, कालू वजदना आबा अना कज़ानी का यफालून, असा ते अपने आबाओ अजदाद नूं वेख्या ए इसे तरह करदे सन जिवें ओह करदे सन उवें असी करने आ। ओह इन्हां दी पूजा करदे सन असी इन्हां दी पूजा करने आ। ओह इन्हां नूं हड्ड दरवा ते मुश्किल कुशा मनदे सन असी इन्हां नूं हड्ड दरवा ते मुश्किल कुशा मनने आ। अल्लाह अकबर अल्लाह ते अल्लाह दे पैगंबर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने जाओ मैं तुहाडे तों वी बेज़ार आ ते तुहाडे मुश्किल कुशावां ते रब्बां तों वी बेज़ार आ। अल्लाह इब्राहीम दसना तेरा रब कौन है जिन्हों तू साडे रब्बां दी नफी पिया करना, तेरा रब कौन है। ते हज़रत इब्राहीम कहंदे ने अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी वयस्कीन वइज़ा मरीज तो फहुवा यशफीन। फरमाया मेरा रब ओए जेड़ा मेरी रहनुमाई कर दे ते जिन्ने मैनू पैदा कीता है। अल्लज़ी खलकनी ओ मेरा रब है जिन्ने मैनू पैदा कीता है। वाहुवा यहदीन ओ रब मेरी रहनुमाई करन वाला है। अल्लज़ी वयस्कीन मेरा रब ओए जड़ा खलांदा भी है जड़ा पलांदा भी है, मेरा रब ओए जड़ा मैनू खिलांदा भी है मैनू पिलांदा भी है। अल्लज़ी हुवायू तैमुनी वयस्कीन खिलान पिलान वाला कौन है, खिलान पिलान वाला कौन है। अल्लाह दे पैगंबर कदर ते खलील कहंदे ने मेरा रब मैनू खिलांदा है मेरा रब मैनू पिलांदा है। ते ध्यान करो वाइजा मरीज तू पाऊं शफीन जदों मैं बीमार हो जाना मेरा रब मैनू शिफावां दिंदा है। गोलियां अपनी जगह ते पुड़ियां अपनी जगह ते बोतलां अपनी जगह ते इंजेक्शन अपनी जगह ते दम अपनी जगह ते शिफावां देण वाला कौन है। दर छाड़े के रब दे दारे वरगा, दर छाड़े के रब दे दारे वरगा किसे होर तारी ते जाए क्यों को। सुभान अल्लाह। दर छाड़े के रब दे दारे वरगा, दर छाड़े के रब दे दारे वरगा किसे होर दे दारे ते जाइए क्यों। जिदों सब दियां पूरियां कर दाए ओ, सब दियां पूरियां कर दाए ओ, सब दियां पूरियां कर दाए दर होर किसे दा खड़का ये क्यों। दर छाड़े के रब दे दारे वरगा रब सुन दे कोली परियादा जी नल पूरियां कर दमरादा जी। रब सुनिंदा कुल फरियादा जी नल पूरियां कर दमरादा जी। रब देंदा आप औलादा जी, रब देंदा आप औलादा जी पल्ला होर किते विछाए क्यों। दर छाड़े के रब दे दारे वरगा, दर छाड़े के रब दे दारे वरगा। और हज़रत इब्राहीम दियां बातां दा तज़किरा ओ खिलाण वाला ओ पिलाण वाला मर्ज़ां तो शिफा ओ अताण वाला। खिलाण वाला कौन, पिलाण वाला कौन, शिफावां अता करन वाला कौन। ओ खिलाण वाला
ओ पहलाण वाला मरसां तो शिफा ओ अतान वाला ओ खिलाण वाला ओ अतान वाला मरसां तो शिफा ओ अतान वाला कायनात दाता अल्लाह ए कायनात दाता अल्लाह ए किसे होर दाता बनाए क्यों कायनात दाता अल्लाह ए किसे होर दाता बनाए क्यों दर छड़े के रब दे दर वरगा दर छड़े के रब दे दर वरगा किसे होर दे दर ते जाए क्यों जी तो सब दिया पूरिया कर दाए ओ सब दिया पूरिया कर दाए किसे गोर दर खड़काए क्यों दर छड़े के रब दे दर वरगा तो जो करे आज बड़ी मोहब्बत वाला जुमला बड़े प्यार वाला जुमला सोने दी जात नू जानते हां सोने दी जात नू जानते हां तौहीद तो जान लुटांदे हां सोने दी जात नू जानते हां ओदे दीन तो जान लुटांदे आ तो जो करना बड़ा मोहब्बत वाला जुमला इंशाल्लाह सुन के सीना ठर जाएगा ईमान ताजा हो जाएगा आका नू असी जानते हां ओदे दीन तो जान लुटांदे आ जद कलमा उसे दा पड़े आए जद कलमा उसे दा पड़े आए फिर तो दोज़ख तो घबराए क्यों दर छड़े के रब दे दर वरगा दर छड़े के रब दे दर वरगा किसे होर दे दर ते जाए क्यों दर छड़े के रब दे दर वरगा बड़ी काबले तवज्जो बात जे जेड़ा यार सिद्दीक उमर दाए उस्मान अली हैदर दाए जेड़ा यार सिद्दीक उमर दाए उस्मान अली हैदर दाए बस यार हुजूर दे मिल जावन बस यार हुजूर दे मिल जावन हाय यार हुजूर दे मिल जावन किसे होर यार बनाए क्यों बस यार हुजूर दे मिल जावन बस यार हुजूर दे मिल जावन किसे होर यार बनाए क्यों दर छड़े के रब दे दर वरगा अल्लाह दे पैगंबर हजरत खलीलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने मेरा रब ओए अल्लज़ी खलकनी पाहू आया खदीन वल्लज़ी गुवायु तई बुनी वया सकीन वाइजा मरीज तो पापू मायशवीन फरमाया मेरा रब ओए जिन्ने मेनू पैदा कीते जेड़ा मेरी रहनुमाई कर दे जेड़ा मेनू खिलांदा भी है मेनू पिलांदा भी है मैं बीमार हो जावा ते मेनू शिफा भी अता कर दे हुण चाहिदा ते सी कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दी एडी सोहणी हकीमाना गुफ्तगू सुन के एक कौम दे लोग हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दा कलमा पढ़ लैंदे और मुसलमान हो जांदे लेकिन इन्हां बदबख्तां हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दे नाल वैर पा लिया दुश्मनियां पा लिया अल्लाहु अकबर ला हक हमेशा कौड़ा हुंदा है सच हमेशा कड़वा हुंदा है इन्हां कोल बर्दाश्त ना होया अल्लाहु अकबर ला ते हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने फिर याद रखो मैनू अल्लाह की कसम मैं एक ना एक दिन तुहाडे बुतां नाल जोड़ जरूर पावांगा हाथ जरूर वखावांगा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हबीबे करीम या जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो व सलाम अपनी कौम दे लोगां नूं बोल करके कहंदे ने तल्लाकी लाकी दन्नास नामकुम वादान तवल्लो मुदबरीन, जदों तुसीं अपना शहर अपनी बस्ती अपना पिंड छड़ के किसे पासे जाओगे, इस तों बाद इक ना इक दिन मैं जरूर बुतां दे नाल कुछ ना कुछ करांगा। एक दिन ऐसा आ गया इन्हां दा कौम इन्हां दी कौम दा इक मेला लग्या करदा, ये सारे जनाब इकट्ठे हो करके मेले ते जाण लगे ना। हज़रत इब्राहीम नूं कहंदे ने इब्राहीम चल तैनूं वी कौम दे मेले ते लै चलीए। ते हज़रत इब्राहीम फरमांदे ने इन्नी सकीम, मैं बीमार आं, यानी मैं शिरक तो नफरत करना वा, शिरक तो नफरत करना, मैं नहीं जा सकदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कौम दे लोग मेले ते चले जांदे ने, ते सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हां दे बुत खाने दे अंदर जांदे ने, जिन्ने बुत पैर इन्हां दे सामने वन सवन्ने खाने रखे हुए ने, वन सवन्नियां नजरां ते नियादां रखियां होईयां ने। अल्लाह ताला इन्हां नाल गल्लां करदे ने, फरमांदे खांदे क्यों नहीं, बोलदे क्यों नहीं। अल्लाह ताला इन्हां दीआं किसे दी लत्त भन्नदे जांदे ने, किसे दी बांह भन्नदे जांदे ने, किसे दे टुकड़े करदे जांदे ने। मुशरकां दे रब्बां दा बुरा हाल कर दित्ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दे पैगंबर ने सारे बुत तोड़ करके फाजा लहुम जुजाजन कबीर लालगम एन करके ये जनाब कलहाड़ा एक बड़े बुत दे कंधे ते रख दिता ते आप वापस आ गए ने, अपना बर्दन बाद दिता है। हज़रत इब्राहीम ने मैनू तैनू पैगाम दिता है, मेरे पैगंबर का जरा फरमान है मुताबिक गल करना चाहना। नबी पाक फरमाते ने बुराई नजर आए उनू सुबान न रोको, हाथ नाल रोको। अगर सुबान नाल नहीं रोक सकते, हाथ नाल नहीं रोक सकते, ते अपने दिल दे अंदर उस बुराई नू बुरा जानो। हज़रत इब्राहीम ने जुबान नाल भी रोके ते हाथ नाल भी। अल्लाह सब दिल दे अंदर बुरा जानना बुराई नू एक कमजोर ईमान दी अलामत है। बुराई जुबान नाल रोकनी चाहिदी है या हाथ नाल, जिथे बुराई नजर आए। साडा की हाल है जी, कहने मौलवी जी जिथे को लगा है ये अगर गल जी ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों मारा खादी, नबियां ने क्यों तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, जिथे को लगा लगा रहन दियो। अल्लाहु अकबर, ला ध्यान करो हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले नाल पैगाम दिता, कायनात दे लोगो बुराई रोकनी चाहीदी है, हाथ नाल भी रोकनी चाहीदी है, जुबान नाल भी रोकनी चाहीदी है। अल्लाह दे पैगंबर ने पहले जुबान ना रोके, जदों बाद ना आए ते फिर हाथ नाल बुराई दा कलाकमा कीता है, बुत तोड़ दिते ने। इधर शामा पईआं वापस आए ना, वेखिया इन्हां दे रब्बां दा बुरा हाल हो चुकिया है, किसे दी लत टुट गई है, किसे दी बांह टुट गई है, किसे दे दो टुकड़े हो गए ने। जिदी लत टुट दे मुश्किल कुशा, जिदी बांह टुट दे मुश्किल कुशा, जिदे ते मुश्किल आवे मुश्किल कुशा, जिनू भुख लगे मुश्किल कुशा, जिनू प्यास लगे मुश्किल कुशा नहीं जी हो सकदा, जेड़ा खाना खावे मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा, जेड़ा पानी पीवे मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा, जिनू तकलीफ आए मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा। ते ए मेरा अल्लाह ए कल्ला ए जिनू जनाब कायनात दे लोग किसे कोई परवाह नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह है, हड दरवा कल्ला अल्लाह है। इन्हां दे रब्बां दियां झूठे रब्बां दियां लत्तां बाहां टुट गईयां, हुण परेशान हो गए ने, आ करके वेंदे की ने की बणिया। अल्लाह अल्लाह साडे रब्बां
फरमांदा है हाल किने कीता है। एक दूसरे नु पुछदे ने कालू मन फाला हाजा बियाली हातिना, किस बंदे ने साडे रब्बां दा बुरा शर कर दिता है, जिन्ने काम कीता बड़ा सुलम कीता है। एक बोल करके कहंदा कालू सुमेना पतई अज पूरा कुमयो कालू लागू इब्रागी में। एक नौजवान दा नाम सुने जिदा नाम इब्रागी में, वो साडे रब्बां दे बारे गल करदा है। ओ जवानो अज जवानियां तुहाडे अंदर भी मौजूद ने, अज तुहाडे अंदर ताकत भी मौजूद है, ऐटमी कुवत मुलक दे अंदर रहण वाले हो। इसके बावजूद पाकिस्तान दे अंदर बुराइयां नु फरोग दिता जा रही है, पाकिस्तान दे अंदर बेहयाई नु फरोग दिता जा रही है। जे को चंगी गल कर दे ते चंगी लगदी लगदी। साडे मुल्क दे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जिदों दा माशाल्लाह वजारत दा मनसब संभालिया, पहली बारी चंगा बयान दिता है, कौम नू चंगा लगा। उन्हां गया जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान है, अल्लाह उन्हां नू मजीद किताबो सुन्नत दे मुताबिक पाकिस्तान नू रियासत मदीना बनाने की तौफीक अता फरमाए। कहंदे अगर औरत मुख्तसर लिबास पहन के बाजार दे अंदर निकलेगी मर्द मुतासर ते होएगा, क्योंकि ये बात गलत है। बिल्कुल सही है, अजी कहने आ कोई भी बंदा अच्छी बात करे वो कोई भी हो ऐसी हो दे हमें दिया, साडा किसी नाल जाती कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम दे असूलां दे मुताबिक कोई भी गल करे असी ओदे हमें दिया। इमरान खान साहब दे इस ऐलान दी इस बयान दी असी हमायत करने कर दियो जी इंशाअल्लाह। औरत नू बाहया बाजार दे अंदर निकलना चाहिए, पर्दा करके निकलना चाहिए, जिस्म छुपा के बाजार दे अंदर निकलना चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना, हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। एक कौम दे लोग बोल करके कहंदे ने एक नौजवान है, एक नौजवान ओ जवानो अपनियां जवानियां ते गौर करो, एक जवान है ते पूरी कौम दे दिलो दिमाग दे अंदर खटकदा है, पूरी कौम दे दिलो दिमाग दे अंदर खटकदा है। हज़रत इब्राहीम दा नाम पेश कीता गया, बुलाओ ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु बुलाया गया, कहन लगे कालू अंत पालता हादा बयान गतिना, या इब्राहीम इब्राहीम किसे दी लत टुटी है, किसे दी बान टुटी है, किसे दा सिर बनया है, क्या साडे नामा नाल तू कीता है। ते अल्लाह दे पैगंबर बड़े समझदार बड़े हिकमत ते बड़ी दनाई वाले कहंदे ने काला बल फालहु कबीरुहुम हादा फस अल्लाह दे पैगंबर दावत देन दा कोई मौका जान देंदे नहीं जान देंदे। फरमांदे ने ऐ जेड़ा वड्डा अड्डी दे कुल कहाड़ा कुहाड़ा जनाब बरामद होए ओदे कोलों पुछ लो, आले कतल जिदे कोलों बरामद होए ओनू ही मुजरम तसवर कीता जांदा है। ते कलाड़ा दे दे कोले अल्लाह पुछ लो ना अगर ये गल्लां करदा है। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी गल सुन के फरा जाऊं इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून बोलते ने हज़रत इब्राहीम फरमांदे ने फिर इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो जिहड़े नफे नुकसान दे मालक नहीं। फरमांदे ने उफ़ लकुमा वाली माता लकुम वाली माता अबुदून मिन दून अल्लाह अपला ताखलून, ए सुनदे भी नहीं बोलदे भी नहीं। फिर मैं ए कोई कहांगा तुहाडे ते भी अफसोस है, तुहाडे रब्बां ते भी अफसोस है, क्या तुसी अकल नहीं रखदे। एडी वड्डी दलील दित्ती है चाहीदा ते सी रब दी तुगी दा करार कर लैंदे। हुण आपस दे अंदर गल्लां कर लगे कहण लगे कालू हर पूगो वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। फरमांदे ने अगर अपने रब्बां दी मदद करना चाहते हो ते इब्राहीम नू जला देवो। अल्लाह
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیو اللہ ایتھے مفسرین نے دو باتاں نقل کیتیاں نے ایک تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں دے بتاں دا برا اثر کیتا اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا بعد میں لکھے ہیں کہ انہاں شکایت وقت دے بادشاہ نو لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا نمرود دے دربار دے اندر ادھر ویکھیا جے اللہ دی قسم جتھے جتھے توحید دی دعوت دی ضرورت پئی اللہ دے پیغمبر نے گج وج کے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے پہنچے نمرود دے دربار دے اندر اللہ دے قرآن نے بیان کیتا دھیان کریا جے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قران پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے علم تارا الذی ہا جائے براگی مفی ربگی ان آتا اللہ الملک اذ قال ابراگی مربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراگی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَآتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وَبُغِيَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ دربار نمرود دے اندر حضرت ابراہیم پہنچے نے کہن لگے ابراہیم دس نا تیرا رب کون ہے حضرت ابراہیم کہندے نے میرا رب او اے جڑا زندہ وی کر دے جڑا ماردا وی اے اے کہن لگے اے کیڑا کام اے انہاں نے کر کے جیل دے اندر دو قیدی بلوا لے نے اے کڈی تے پھانسی دے آرڈر ہو گئے نے اونوں قتل کر دیتا اے اللہ اونوں جناب چھڑ دیتا اے تے جنوں جناب رہائی دے آرڈر سن اونوں قتل کر دیتا کہندے اے تے کام میں وی کر سکنا وا اللہ دے پیغمبر سمجھ گئے اے مشرک بدماغ جنی سمجھ سکدا حضرت ابراہیم کہندے نے انج کرنا میرا رب مشرق والوں سورج چڑھاندا اے تے مغرب دے اندر تجھ غروب کردا اے اگر تو اپنے رب اپنے آپ نو رب کہلوانے مغرب والوں سورج چڑھا کے مشرق وال غروب کر دے تے جدوں اے گل کیتی نا بابو کی کافر سارے گران ہو گئے لا جواب ہو گئے ہن انہاں پروگرام بنا لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جلا دیتا ڈائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آنکھ دے اندر سٹیا ڈائے ہن انتظام ہاتھوں لگ گئے نے این کر کے لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے ایک بڑا سارا گڑا کھود لیا گیا اے ایتھے اندر لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں گئیاں نے اور فیصلہ بادیاں مدن پوریا اللہ دے پیغمبر خلیل دا قصور کیے اکو خلیل اکو اللہ دے خلیل دا قصور ہے او کہندے سن لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ٹوبیاں بننے لان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھاں چ ویکھ مارن والا کوئی نہیں اینا لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں نے وہ فسری لکھدے نے اس قدر لوگاں دے دلاں دے اندر دماغ دے اندر غم غصہ پایا جاندا اے بیبیاں نے منتا مرنیاں شروع کر دیتیاں نے میرا فلاں کم ہو جائے میں ابراہیم نو جلان واسطے انیاں لکڑیاں دوانگی این کر کے لکڑیاں دے ٹیر لگ گئے نے ادھر جناب اگ جلا دیتی گئی ہے اگ دے شولے نکلے نے آسمان دیاں بلندیاں نال اگ دے شولے گلاں پہ کر دے نے ہن دھیان کریا جے اللہ دے پیغمبر نو قریب لیاندا گیا اے ہن پریشان نے ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا کیویں جائے شیطان آئے انسانی شکل دے اندر آ کے انہاں نو کہن لگیا انج کرو نے اک منجیک تیار کر لو او دے اندر بٹھا کہ ابراہیم نو اگ دے اندر سٹ دتا ڈے اللہ اکبر ادھر ساری قوم ادھر ابراہیم دی مخالف ہے سکا باپ مخالفاں دے اندر کھڑے اللہ دے پیغمبر نو منجیک دے اندر بٹھا دتا گے میں صدقے جاواں نبیاں دے حوصلیاں تو میں صدقے جاواں نبی نبیاں
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੇ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਮਿੰਜੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਲ ਚਲ ਮਚ ਗਈਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਹੋ ਅੱਗ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਸਬੁਨੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਲੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਲਿਆ ਗਿਰਦ ਚੁਫੇਰਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਖਿਆਲ ਨ ਕੋਈ ਤੇ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਜੇਰਾ ਹਾਏ ਕੈਸੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਤੇ ਕੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਫਸਰੀ ਲਿਖਣ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਹਬੀਬੇ ਜਿਬਰੀਲ ਯਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਦਲ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਮੈਂ ਇਜ਼ਿਬ ਤਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬੁਹੁ ਬਿਕਲਿਮਾਤਿਨ ਫਾਤਮਖੁਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਏ ਅੱਗ ਬਲੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤੱਕ ਬਲਿਆ ਕਿਰਦ ਚੁਫੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੌਫ ਖਿਆਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਧਨ ਰਸੂਲਾਂ ਜੇਰਾ ਵਾਗਦ ਵਾਗਦ ਵਾਹਦ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਬੀ ਹਕਾਨੀ ਵਾਹਦਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਲ ਚਿਖਾ ਕੁਫਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਂਬੜ ਭੜਕ ਮਚਾਵੇ ਓਏ ਇੱਕ ਵੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਲਾਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੋ ਲੰਬਾ ਲਾਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਖਦਰ ਤੇ ਖਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਹਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੁਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅੰਤਲ ਵਾਗੀ ਤੂੰ ਫਿਸ ਸਮਾ ਵਾਨ ਬਿਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਹਿਦ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਲੀਲ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੁਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਏ ਹਸਬੁਨ ਅੱਲਾ ਹਸਬੁਨੱਲਾ ਹਸਬੁਨੱਲਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਗ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲਾ ਯਾ ਨਾਰੁਕੁਨੀ
बारदम सलामा बारदम सलामन आला इब्राहीम है अगर तेरी फितरत है तेरे अंदर जो भी आ जाए तू जला करके रख दे लिए हट तू अपनी फितरत नहीं दिखानी आज मैं रब दी कुदरत दिखानी है अल्लाह आज तेरे अंदर मेरा खलील आ लिए ओ मेरा खलील आ ले जिन मेरी खातर अपने बाप दियां झिड़कां कातियां ने मेरा ओ खलील आ लिए जिन मेरी खातर पूरी कौम दे नाल टक्कर लई है ओ मेरा खलील जो बंदा रब की खातर कुछ कर दे अल्लाह वफावां दा मुल पा देंदा है जो बंदा रब की तुगीद की खातर मारा खांदा है याद रखिया जे ए लोगां दियां गालियां ए लोगां ते पहुंचे ने अल्लाह ने आग ऑर्डर जारी कर दिता बारदम सलामा ऐ आगे मेरे बरागी वास्ते ठंडी ते सलाम दी वाली बन जा मुफसरीन कहंदे ने एदा मतलब ए वे ऐ आग इन्नी ठंडी ना होना के मेरे खलील नू ठंड ना लग जाए इन्नी गर्म भी ना रहना के मेरे खलील नू तबश लग जाए होया भी इंजे अदर ते बरागीम 40 या 50 दिन अग दे अंदर रहने एक पाल भी नहीं सड़िया ते पुछण वाले पुछिया दर्द इब्राहीम नु अल्लाह दे पैगंबर 40-50 दिन जो अग दे अंदर गुजारे ने किवें दे गुजरे ने हजरत खलील फरमांदे ने सारी जिंदगी दे अंदर इंज दा सुकून नहीं आया जेड़ा सुकून अग दे अंदर आया है बारदम सलामन आला इब्राहीम फरमाया मेरे बिरागी वास्ते सलामती वाली बन जाओ अल्लाह अकबर 40-50 दिन अल्लाह दे पैगंबर ने आग दे अंदर गुजारे ने ते बाहर निकले ना लोग वेखण वास्ते आए इंज लगदा है इब्राहीम दियां हड्डियां भी जलदियां होण गियां गोशत भी जल गया है गा वेखिए ते सही इब्राहीम दा हाल की है जिथे तमाशा वेखण वाले बाकी लोग आए उथे सका बाप भी आया है ऐने करके गदर इब्राहीम आग दे अंदरों निकलदे पए ने ते मुशरक बाप दी जुबान ते जुमला है नेमर रब या इब्राहीम इब्राहीम तेरा रब किड्डा चंगा है जिन्ने एडी जलदी हुई आग दे अंदरों तैनू बचा लिया है अल्लाह जादू जो सर चढ़ के बोले मुशरक भी बोल उठया इब्राहीम तेरा रब नेमर रब तेरा रब कितना चंगा है ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਯੂਰੀਦਿਲਾਹੁ ਖੈਰਨ ਯਫਕੀਹੁ ਫਿਦੀਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੇ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਇਨਕਾ ਲਾ ਤਹਦੀ ਮਨ ਅਹਬਬਤਾ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹਦੀ ਮਈਆਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੱਕਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਹਬਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਇਨਕਾ ਲਾ ਤਹਦੀ ਮਨ ਅਹਬਬਤਾ
ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ اللہ جنوں چاہندا ہے ہدایت عطا کر دے او خوش نصیب ہے جڑا عقیدہ توحید تے ڈٹیا ہوئے جے کول استقامت تے آئیے غراب توجہ کرنا غور کرنا آخری بات کراں بات اختتام لے کے جمع اگلا امتحان حبیب گریا جناب محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अजमत दे तज़किरे नबी पाक दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल करके फरमाए फरमाया मेरा खलील जिस इम्तिहान दे अंदर भी पे आए इम्तिहान दे अंदर कामयाब होए हुण अग दे अंदर निकल गए ने बाप नाल वास्ता पै गया। मैं पिछले जुमे बयान कर चुकिया वा जदों बाप कहिंदा मैं तैनू घरों कढ देना है मार मार के रजम कर देना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बाबा जी जो तुहाडा दिल करदा कर लो लेकिन मैं तुहाडे नाल बदतमीजी नहीं करांगा बल्कि मैं जांदा जांदा ऐ गल करके जावांगा काला सलामुन अलैका सास्तगफिरुलका रब्बे तुहाडे ते तुहाडे वास्ते सलाम है ते मैं अपने रब कोलों तुहाडे वास्ते बख्शिश मंगदा रहांगा। उन्नी देर तक अल्लाह दे पैगंबर हज़रत इब्राहिम बाप वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगदे रहने जिन्नी देर तक अल्लाह ने मना नहीं कीता। अल्लाह अकबर ला ध्यान करे आजे हुण हिजरत ते निकल गए ने बात लंबी है लेकिन बुखारी दी रिवायत ते इत्तफाक करांगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह खुद तान को बयान करदे ने बुखारी पाक दी रिवायत ते मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी बयान करदे ने रहमत ते कायनात अली सलातो सलाम ने फरमाया जदों हज़रत इब्राहिम अली सलातो सलाम हिजरत ते निकले ने नाल बीवी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा हन करके नाल ने सिर्फ हज़रत लूत ने हज़रत इब्राहिम दा कलमा पढ़े। बात लंबी है हन करके सफर दे अंदर चलदियां चलदियां एक मुकाम ऐसा आ गया एक मुल्क ऐसा आ गया मेरे वाल देखे आज पूरी तकरीर दा पूरे जुमे दा नचोड़ इस बुखारी दी रवायत दे अंदर है। अल्लाह चलदियां चलदियां इस बादशाह दी सल्तनत दे अंदर गुजर लगे ना ए बादशाह जानी किस्म दा बदकार किस्म दा इहदे बादशाहत दे अंदर जेड़ी भी कोई खूबसूरत औरत गुजरदी ओहदे ते कब्जा कर लैंदा ओहदे नाल बदकारी करदा। अल्लाह दे खलील इस मुल्क दे अंदर पहुंचे ने ना अल्लाह उधर जनाब वतन छड़िए उधर इम्तिहान दे अंदर बह गए ने कायनात दे लोग बंदा कहंदा मेरी जान चली जाए पर मेरी इज्जत दे हरफ ना आए। अल्लाह दे पैगंबर दी इज्जत अज दाउ ते लग गई है। अल्लाह हु अकबर ला ए जनाब इन्हां नूं पता चलिया ना हज़रत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दे नाल खूबसूरत उन्हां दी बीवी है ए जनाब चलदे चलदे जनाब बादशाह दे करिंदे आए आ करके इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम नूं कहण लगे दस ना तेरे नाल कौन है ते ओ वक्त दा बादशाह अगर औरत दे नाल ओदा खावंद हुंदा ते ओनू कत्ल करवा दिंदा। हज़रत इब्राहिम कहंदे ने सारा गल सुन मैं ते तू अल्लाह दी धरती ते दो ही बंदे आ जेड़े मुसलमान आ इस वास्ते इस्लाम दे लिहाज नाल तू मेरी भैण लगनी है ते मैं इन्हां नूं दसण लग्या वा कि तू मेरी बहन है इस्लामी लोकां नजर दे नाल ते बादशाह दे सामने इहो जाके गल बयान करना एला करके चले गए ने ध्यान करे आजे इधर बीवी बादशाह दे दरबार दे अंदर चली गई है ते अल्लाह दे खलील ने नमाज पढ़नी शुरू कर दीती है अल्लाह दे नाल गल्लां मिलाणियां शुरू कर दित्तियां ने। इहदे तो पता चलदे बंदे ते मुश्किलां ते शराबां नहीं पीणियां चाहीदियां बंदे ते परेशानियां ते अल्लाह दा डर नहीं छड़ना चाहीदा। एडा वड्डा इम्तिहान है अल्लाह दे खलील रब दा दरवाजा खड़काए अल्लाह तेरी खातर अपना बाप छड़ के आया अल्लाह तेरी खातर अपना मुल्क छड़ के आया अल्लाह तेरी खातर अपना वतन छड़ के आया वा ते मालका दी इज्जत भी दाव ते लग गई है तू ही मेरी इज्जत दा मालिक है अल्लाह मेरी इज्जत दियां हिफाजत फरमा। हज़रत सारा बादशाह दे दरबार दे अंदर पहुंचिया ना इहनू कहण लगियां मैं सफर तो थकी आई हां मेरे जिस्म ते गर्दो गुबार मैनू जनाब गुसल दी इजाजत दी जाए। हज़रत सारा ने गुसल कीता रब दे सामने हाथ चुक लेने दुआ कर दिया ने अल्लाह सोनिया तू जान मैं तेरे ते ईमान लेके आई अल्लाह
अल्लाह मैं तेरे रसूल ते ईमान लेके आई, अल्लाह तू गवाह है मेरे जिस्म आज तक तेरे पैगंबर तू अलावा किसे हाथ नहीं लगाया, तेरे पैगंबर तू अलावा मेरे जिस्म किसे नहीं तकिया, अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह सका पर तू मेनू बचा लेना। एने करके जनाब दुआ तो कर गुनिया ने बदबखत हजरत सारा वाल बढ़े, इन्हें हाथ बढ़ाए, अल्लाह ने दुआवां नू रंग लाए, काफर जमीन ते डिग पे तड़पन लग गया। हजरत सारा परेशान हो गया, किसे इस जालम दा कतल मेरे जिम्मे न पै जाए, कहंदा दुआ कर दियो मैं दोबारा तनु परेशान नहीं करांगा। इन्हां दुआ कीतीए ठीक हो गया, दोबारा बुराई दा इरादा कीता है, फिर उसे हालत अंदर हो गए, तीसरी मरतबा बुराई का इरादा किया है, फिर उसे हालत अंदर हो गए, कह लगिया इनू ले जाओ मेरे कोले कुछ कोई इंसान नहीं लेके आए बल्कि जिन नू लेके आए जे। अल्लाह ते जान लगिया तोहफे दे अंदर बीबी हाजरा दे दित्ती है, अल्लाह अकबल्ला अल्लाह ने सिमतियान दे अंदर भी कामयाब कर दिता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अल्लाह फरमांदे ने वा इजीब इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन, फरमाया सी अपने इब्राहीम पैगंबर नु जिदों भी अजमाया हर इम्तिहान दे अंदर कामयाब पाया, हर चीज अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए। सबके वे दीन दे मामले दे अंदर जितना मर्जी बड़ा इम्तिहान हो जाए आ जाए, इम्तिहान दे अंदर कदम नहीं डगमगाने चाहिए, इस्तकामत दा मुजारा करना चाहिए। अल्लाह ताला हजरत खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम दी सीरत तो इस्तकामत वाला सबक याद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।